नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरिद्वार नर्सिंग गुरु में। आज हम बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार से हाई कोलेस्ट्रॉल आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का आखिर में मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन का निर्माण करता है, विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी की जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनके निर्माण के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बनता रहता है और कुछ कोलेस्ट्रॉल हमको डाइट के द्वारा मिलता है। देन उसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। जब भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो उसका जो नॉर्मल लेवल होता है, हेल्दी लेवल होता है, वो कितना होता है? लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन है तो बॉर्डर लाइन के अंदर 200 से लेकर 239 mg पर डेसीलीटर माना जाता है, जबकि हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर मोर देन 240 mg पर डेसीलीटर माना जाता है। नेक्स्ट आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट मीन्स HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है एवं साथ ही साथ हमारी आर्टरी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है उसको भी यह रिमूव करने का काम करता है। इसका जो ओके लेवल है, दैट मीन्स हेल्दी लेवल कितना होता है? 41 से लेकर 59 mg पर डेसीलीटर, जबकि अनहेल्दी लेवल के अंदर अगर 40 mg पर डेसीलीटर से कम है तो उसको अनहेल्दी माना जाता है। नेक्स्ट आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अथवा LDL अथवा इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है और साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज के अंदर जमने लगता है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसका जो ओके लेवल है, दैट मीन्स हेल्थी लेवल, 100 से लेकर 129 mg पर डेसीलीटर माना जाता है, जबकि बॉर्डर लाइन के अंदर 130 से लेकर 159 mg पर डेसीलीटर, हाई के अंदर 160 से लेकर 189 mg पर डेसीलीटर, जबकि वेरी हाई के अंदर 190 अथवा मोर देन 190 mg पर डेसीलीटर माना जाता है। नेक्स्ट आता है किस प्रकार से हाई कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म आपकी आर्टरीज, वेंस या वेसल्स को प्रभावित करता है या उसको ब्लॉक करने का काम करता है या उसको डैमेज करने का काम करता है। जैसा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, तो उस प्रकार की कंडीशन में यह कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज के अंदर जमने लगता है और जमने के साथ ही एक फैटी बिल्डअप बना लेता है और फैटी बिल्डअप जैसे ही बनेगा तो वो फैटी बिल्डअप हार्ड होने लगता है और हार्ड होने के साथ ही वहाँ पर एक प्लेक का निर्माण करता है। जब वो प्लेक बन जाती है, प्लेक यानी कि एक लेयर बन जाएगी हमारी आर्टरीज के अंदर, धमनियों के अंदर, और जैसे ही वो प्लेक बनेगी तो वो इनफ्लेक्सिबल बन जाती है, यानी कि वो मूव नहीं होती वहाँ से, वो हार्ड हो जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारी धमनियाँ हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं, वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी और नेरो हो जाएगी। नेरो मतलब सकड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड क्लोट होने लगता है और ब्लड क्लोट जब भी होगा हमारी आर्टरीज के अंदर, वेंस के अंदर, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि अवरुद्ध हो सकती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो हाइपरटेंशन हो सकता है, हमारी आर्टरी डैमेज हो सकती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन जब भी होती है तो हम ब्रेन हेमरेज दे सकते हैं, हार्ट अटैक देख सकते हैं, किडनी फेलियर देख सकते हैं और भी बहुत प्रकार की कंडीशन इस चीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है।